नमस्ते दोस्तों, गुड इवनिंग। आज इस वीडियो को रिकॉर्ड करना इतना ज़रूरी था क्योंकि आज आपको पता होगा ये 22 मार्च संडे का इवनिंग है और फिलहाल मैं तो गांव में हूँ। अभी गांव में आ गए तो गांव में मुझे जितना पता था, शायद जो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जो जनता कर्फ्यू के बारे में अनाउंस किए थे, मुझे लग रहा था कि शायद लोगों को इतना पता होगा वो कैसे सपोर्ट करेंगे। आने के बाद मुझे ये दिख के बहुत खुशी हो रही है कि लोगों यहाँ पे पूरा शिद्दत से उसे निभाए हैं, जनता कर्फ्यू का पूरा दिल से निभाए हैं। और आश्चर्य की बात तो ये है, शहर का बात थोड़ा अलग है। गांव में लोग कुछ भी बोलने से या डांस हो या कुछ भी बोलने से थोड़ा हिचकिचाते हैं, वो थोड़ा शर्माते हैं। मगर आश्चर्य की बात यह है, जब जनता अभी जो 5 बजे था, मुझे लग रहा था कि शायद कोई बोलेगा या कुछ करेगा या कुछ नहीं, मगर आश्चर्य का बात यह है कि हर कोई अपना अपना लेवल बेस्ट दिया वो इन्फॉर्मेशन उन लोगों के पास पहुंचाने के लिए जो लोग हमारे देश को इस टाइम पे, इस क्रूशियल टाइम पे कंधे मिला के खड़ा है। वो डॉक्टर्स, वो पुलिस, वो वर्कर्स, जो भी सारे डेडिकेटेड जो भी एम्प्लॉयज अभी काम कर रहे हैं वो कोरोना के लिए। देखिए, अभी आपको सुनाई दे रहा होगा, तो भगवान थाली वगैरह कोई नहीं बजाता, मगर भगवान के पास जो घंटी होती है ना, उसको बजा के ये इन्फॉर्मेशन दिए हैं। आगे चल के इस वीडियो में आप दिखोगे कैसे घंटी बज रहा है। और मुझे तो अच्छा फील हुआ क्योंकि गांव के लोग भी इसे ये सारे इन्फॉर्मेशन रखते हैं और उनके तरफ से ये लेबल बेस दिए हैं कि ये इन्फॉर्मेशन उन तक जाए जो लोग हमारे लिए डे एंड नाइट पूरा 24/7 काम कर रहे हैं। दोस्तों, होल नेशन आपके साथ खड़ा है और प्रधानमंत्री के ये इस तरह के इनिशिएटिव के लिए हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू। और मेरा दोस्त कुछ बोलना चाहता है इसके बारे में। जो डॉक्टर टीम और जो रेस्क्यू टीम जो काम कर रहे हैं सब, वो कोरोना के ये में सब जो भी काम कर रहे हैं, मैं भी उनको थैंक्स बोलना चाहूँगा। और मेरे घर वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं ये सब, वो घंटी बजा के ये सब मंदिर के जो घंटी बजता है, मेरे घर वाले भी वो सब किए हैं। मैं देखा हूँ, अभी देख के आया हूँ, ये भी अपलोड कर रहा हूँ। मेरे तरफ से भी मैं थैंक्स बोल रहा हूँ वो सारे लोग को, और जो डॉक्टर से है उनको भी थैंक्स बोल रहा हूँ। दिस इज नॉट एनफ, वी हैव टू कंटिन्यू दिस थिंग्स अप टू 31 मार्च। यू नो व्हाट विल हैपन, बट एटलीस्ट वी कैन फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस विच इज इंस्ट्रक्टेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, मगर दोस्तों इटली के जैसा हालत इंडिया में तो ना होना चाहिए। बस इतना बोलना चाहता हूँ, हैंड अच्छे से वॉश कीजिए और भीड़ वाले जगह में मत जाइए। प्लीज अपना ध्यान रखिए, बस आप खुश तो हम भी खुश। जय हिंद, वंदे मातरम।